आ गई, आ जाओ जाओ, आओ बैठो। अरे बैठो भाई, आओ बैठो बैठो। बिट्टू बेटा फटाफट मम्मी के लिए चाय बना दो ना, क्या रही है, ठंडा लग रहा होगा ना, जा जा बना दो। तो हम बना लेंगे। बैठो भाई। स्वीटी स्वीटी यार, बेटा फटाक से तेल गरम कर दो तो, मम्मी नंगे पैर नहाने जाती है, ठंडा लग रहा होगा ना, और मम्मी की सेवा करोगी तभी तो रोज मम्मी नहाने जाएगी, दुलारक बाबा खुश होंगे और तुम्हें छोटा सा भैया देंगे, है ना, जाओ। क्यों सही कह रहे हैं ना, बोलो सही कह रहे हैं ना। हाँ सही कह रहे हैं। पागल समझियो मैं, हैं? हम तुमको पागल दिखाई देते हैं, हमको पता नहीं है, तुम जाती तो हो रोज लेकिन वहां पानी छूती तक नहीं। अगर एक साल के अंदर बेटा नहीं जन्मी ना तो उसी लोलादक कुंडे में डुबा डुबा कर मार दूंगा तुझे। चल चल भाई यहां से। अबे चिंटुआ कहाँ घूम रहा है, ये तो 7 ही रुपया है। ये 300 रुपया नहीं है। नहीं 300 रुपया नहीं है। अरे भी हम रस्सी पे भी चढ़ते हैं, फूल भी संजा के बेचते हैं। 300 रुपया कमाने में बहुत मेहनत लगता है। सुनो एक उपाय है मेरे पास। क्या? जुआ खेलोगे? नहीं भी हम जुआ नहीं खेलेंगे, छोटी बहुत हमको डरती थी। तेरा 300 रुपया एक दिन में बन जाएगा, तू पुलिस वाले को नहीं बताया तो। 4 महीने बचे हैं बेटा, छोटी को वादा किए थे ना स्कूल भेजने के लिए। जुए में इंसान कभी हारता है कभी जीतता है, पर हमको विश्वास है तुम इस बार जरूर जीतोगे, आ जाना रात में। हेलो इंस्पेक्टर राजा। हाँ जय हिंद सर। बहुत कंप्लेंट आ रही है आपके शहर में। हाँ स्कैंडल्स की। हाँ सर ये सब बंद चाहिए मुझे। अरे सर कुत्ता बिल्ली बैल गाय सांड सब बंद हो जाएगा सर। और जो भी चूहे में पकड़ा जाए उस सबको जेल में डाल दो। अरे बच्चा भिखारी सब। राजा अगर प्रमोशन चाहिए तो टेक एक्शन। हिजड़ों को भी बंद करना है सर। जो ठीक लगे। के तिवारी सारे जुआरियों को बंद कर दो बच्चों समेत। लोगों ने बुरा को निकाल दिया तो तुम सबसे लड़कर आ गई। और बुरा कहाँ है? भाग गया। भाग गया। अब तुम कहाँ रहोगी? पता नहीं। पता नहीं। सोचते हैं। हमारे साथ रहोगी? हाँ। बना बाबा तुम बहुत तंग करती हो, वैसे पिछली बार भी तुमने सबके नाक में दम करके रख दिया था। हम का किसी को तंग करते, सब हमें ही तंग करते। शैतान की नानी, हमें नहीं पता तुम क्या करती हो क्या नहीं करती। उसको ये ना फिल्म देखने चलें। कोई जरूरत नहीं। चलिए ना, आपको भी जाते ही नहीं है। मैंने कहा ना हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे। नहीं चलिए ना। अयो हम कहे ना कोई फिल्म नहीं। चलिए ना देखिए। अरे हमने कहा ना नहीं जाएंगे, तुम बार बार एक बात के पीछे पड़ जाती हो। अब जाते ही नहीं है कभी भी। हमें डर लगता है। क्यों? जब हम बच्चे थे तुम्हारी तरह तब हमारे माँ बाप हमें इस हॉल में छोड़ गए। फिल्म चल रही थी मुगले आजम और हमने अपना नाम रख लिया नारकली। समझ आई बात? तो फिर आपको छोड़ क्यों गए वो? छोटी एक बात समझ लो, ये जो प्यार है ना ये हक से मिलता है, भीख में नहीं। वो आपको छोड़ के क्यों चले गए? हमारे लिए। अरे छोटी जाओ तुम भी चलो हमारे। अरे मैंने कहा तुम जाओ छोड़ो। अरे छोड़ो ना छोटी जाओ तुम। कल रात आई नहीं, अरे इसे भेज देती। हम तुम्हारी कोई दीदी नहीं जो रोज तुम्हारे सामने टांग खोले। पर मुंह बहुत खुल रहा आजकल, ज्यादा ना खुले नहीं तो कई छेद खुल जाएगा। समझी?
आज रात को आ जाना, नहीं तो तुम्हारी छुटकी है ना, उसको आज ही जवान कर देंगे। अरे आप आज भी घाट पर? घाट पर ही पाई जाती हैं क्या? हमारा मतलब आप रोज ही आती हैं क्या? आते तो हम भी रोज हैं, हमें तो कभी नहीं दिखे आप। अच्छा, हम तो दोपहर में आते थे ना, आप सुबह में आकर चली जाती होंगी। और ये चींटियाँ ना बहुत तेज काटती हैं, देख के बैठिएगा। वो ना हम सुबह में रस्सी पे चलते हैं, बताएं आपको? ऐसे कर कर, वो भी हाथ छोड़कर बिना डरे। वो कल के लिए सॉरी, आप माफ कर दिए ना, वो हम जानबूझ के नहीं किए थे। वो गोरे कहते हैं सॉरी बोलने से गलती माफ हो जाती है, आप हमें माफ कर दिए ना। आप कुछ बोलती नहीं है क्या? फिर से सारी की चीटी हमें काटी। जानती है आपकी आँख ना एकदम भूरे जैसी है, वो भूरा सुबह हमें मिला, हम नहाने गए थे ना, वहीं पे कोने में था। उसकी बड़ी बड़ी आँख, छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैर और प्यारी सी पूँछ। पूँछ? हाँ, कुत्ते के पिल्ले की पूँछ। बेचारे को जगह जगह चोट लगी थी, और उसको जब हमने प्यार करा ना तो वो रोने लग गया। क्यों? उसे प्यार की आदत नहीं होगी ना। उसे प्यार की आदत नहीं होगी ना। वो कल के लिए सॉरी। क्या बात है, आज इतनी देर से? सब ठीक तो है ना? अरे कमरा बड़ा गंदा था और तुम इतनी देर से आई हो। मैं झाड़ू खोज रही थी लेकिन झाड़ू ही नहीं मिल रही थी, नहीं तो मैं लगा देती। मैं लगा देती झाड़ू। इतना ही जोर अपनी बीवी पे लगाया होता तो आज तुझे लड़का पैदा होता। करते हैं पुलिस वाले, मैं जीना देते हैं ना मरने देते हैं। मैं तो पुलिस इसलिए बनूंगी इन सबको डंडे मार सकूं और सकूं। मैं यही खाती है पुलिस बनूंगी आपके सेवा करने खाती। चल हट, गंगा जी में फेंक देंगे तुझको। फेंक देंगे हम, तैर के चला आएंगे आपके पास। अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बात करता छोटी सी गाय से। हेलो, गुड मॉर्निंग, यू टीडिंग
क्या? यूटी डिंक। इतनी मोटी किताब लिए घूमती और अंग्रेजी नहीं आती। चलिए रुकिए, हम सिखा देते। अभी रुकिए, हम चाय लेकर आते। दो चाय देना। पैसे लाइयो। लो। दूर। का करो तू चाय का? हैं? चाय तो दो तुम। अरे करोगी का तू चाय का? एक तो पियोगी, दूसरा किसको पियाओगी? वही विधवा को। एक तो अछूत, दूसरा का विधवा। सही कहे। सांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचो तो सेवो। ऐसी साला सब जो है पता नहीं कहां से चले आए घाट को नरक बनाने। ले जाओ। भाग। चीनी डाली है कि नहीं डाली? जहर डाले हैं। पियोगी? चीनी कम हुई ना तुम्हारे मुंह पे ही लौट देंगे। और तुमको गंगा जी फेंक देता हूँ। साले सब कंजूर साला। भाग। लीजिए पकड़िए। ना ना ना, हम चाय नहीं पीते। अरे पकड़िए। हम नहीं पी सकते। अरे पकड़िए, गर्म हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? छोटी। असली नाम क्या है? छोटी। ये तो कोई नाम नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ऐसे नाम होते हैं। जो मोटा उसका नाम मोटी, वो जिसकी एक टांग वो लंगड़ा। मैं छोटी तो मेरा नाम छोटी। कोई तो और नाम होगा। अब ये जो घाट पे कुत्ते घूमते, इनके थोड़ी नाम होते हैं। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे फालतू में पैसे भी खर्च कराती, चाय भी नहीं पी। छोटी, कितना प्यारा नाम है। छोटे छोटे हाथों से मेरी चाय से मक्खी उड़ा रही थी। क्या तूने चाय पी है? हमें भात और पानी के सिवा कुछ और भी देखना मना है। पहली बार किसी ने मेरे बारे में सोचा। मुझे तो पहले से ही तेरे लक्षण समझ में आ रहे थे। मैंने तुझको यहाँ पे छोटी शरण दी। की इतनी बड़ी बड़ी बात। अपने कमरे में रहने की जगह दी और ये खाने को, ये अनाज खाने को दिया। अरे पापी, नहीं सके। कभी जाके मैं सबको बुला के कहती हूँ कि क्या बाहर तू तो गुल खिला के आती है। मत बुरा लगा हुआ उसे, छोटी बच्ची। अरे कितना गंदा करके आई है। चलो आते ही लेट गई। चलो उठ के साफ कर लियो पूरा। ये ले प्रसाद लाई, मिश्री खा लेना। आपको पता है जब मैं घाट पर आई थी ना, तो सारे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे। पर चिंटू मुझे हमेशा बचाता था।
और वो कहता था कि चिंता क्यों करती है छोटी, चिंटू है ना। फिर वो मुझसे कह के गया कि मैं आरती खत्म होने से पहले आ जाऊंगा, पर वो आया ही नहीं। कहाँ गया? वो उसकी पुलिस से लड़ाई थी, पता नहीं। कोई बात नहीं, जो चीज अपनी होती है ना वो हमेशा लौट के आती है। चिंता नहीं कर, चल खा ले, ये ले। ये पहन के जाए, रुको खराब हो जाएगा। क्यों लेदर है, लेस ले क्या? वो कुछ पैसे चाहिए। क्यों, तुम्हारी माँ की शादी है? नहीं, बच्चों की फीस जमा करनी है। अब तो स्कूल से नोटिस भी आ गई है। हम कहे थे स्कूल में नाम लिखाने को, हैं? घर बिठाओ, काम सिखाओ, नहीं तो तुम्हारी तरह ससुराल जाएगी ना तो नरके मचाएगी। पर पढ़ना भी तो जरूरी है। तुम बस बेटा दो, ज्ञान नहीं। आप हमेशा से सफेद साड़ी क्यों पहनती हैं? रंगीन क्यों नहीं पहनती? हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है कि जब औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सिर्फ सफेद ही पहन सकती है। क्यों? ताकि वो हमेशा बेरंग रहे। अच्छा। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? फेवरेट क्या होता है? अरे फेवरेट। फेवरेट क्या होता है? ओहो, आपको तो थोड़ी सी भी अंग्रेजी नहीं आती। वो आपको सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है? गुलाबी। वो होता है ना, वो जो रानियां पहनती थी जयपुर की, गहरे रंग का गुलाबी। अच्छा, अब हम जाते हैं, आप कल शाम को आइएगा, ठीक है ना? कहाँ? वो घाट पे जो मणि है ना उसके नीचे आ जाइएगा। पर हम शाम को नहीं आ सकते। नहीं, हमें नहीं। शाम को आश्रम से बाहर हम कुछ अनुमति नहीं, नहीं। आप आ जाइए, हम नारकली को भी लेकर आएंगे। आ जाइएगा, और जरूर आ जाइएगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूर 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 दूर। अरे कितनी बार कहा है मेरे बिस्तर से दूर रहा करो, हैं? अपने तो भ्रष्ट हो चुकी हो, अरे मुझको भी भ्रष्ट करोगी क्या? बुद्धि दो माँ।
गुड गुड मॉर्निंग बोलना तक नहीं आता. गुड मॉर्निंग बोलना तक नहीं आता. कल हमारी नाक कटाकर और आप यहाँ पर हंस रही हैं आज. सॉरी. हम सबको बोले हमारी दोस्त आएगी और अनार के लिए भी आई थी और आप हमारी बेइज्जती खराब कर दी. हम आपको बुलाने की कोशिश करें, हमें आपका नाम ही नहीं पता था. मेरा नाम है नूर. नूर? ये कैसा नाम हुआ? जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे दादाजी कहते थे कि मेरे चेहरे पे ना कोहिनूर जैसा नूर है, इसलिए मेरा नाम नूर रखा. कोहिनूर क्या? कोहिनूर एक हीरे का नाम है. हीरा? हीरा तो उस मोटे पुलिस वाले का नाम है. आपको पता है एक बार क्या हुआ? वो सबको दौड़ा रहा था पुलिस वाला हीरा, और इतने में दौड़ते दौड़ते चिंटू की पैंट उतर गई. और फिर चिंटू ऐसी घाट पर नंगा पुंगा भागता रहा. तुम्हें पता है ये दिए है ना, ये दो बार जलाए जाते हैं. पहली बार जब मन्नत मांगी जाती है और दूसरी बार जब मन्नत पूरी हो जाती है. अच्छा. हाँ. तो जो लोग मुझसे दिए लेके गए वो वापस दिए लेने आएंगे? हाँ आएंगे. आपने कभी दिए जलाया है? हाँ जलाया है. कब? जब मेरी शादी हुई. मेरी शादी हुई थी एक बूढ़े के साथ, फिर शादी के थोड़े समय के बाद वो मर गया. बूढ़े थे वो? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं कह रही हूँ पति बूढ़े थे और तू हंस रही है. अब मैं भी तेरे को मदद कर दूँ. लो. छोटी मेरा इंतजार करना, मैं आरती खत्म होने से पहले आ जाऊंगा. आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ कहाँ से आई? हम तो आपको ढूंढते ढूंढते आ गए, दो दिन से गायब हैं. कहाँ आप? अरे क्या हुआ? वो आपको ना, आपको कल नूर से मिलाना है. हम नहीं जा सकते कल, वो कल कल हमें नाचने जाना है. हम कब से आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो नहीं होती कभी आप नहीं होती. हम अकेले ही परेशान होते रहते हैं, हमें किसी से नहीं मिलना ना किसी को मिलाना. एक तो चिंटू भी बचाने का लगे और आप दोनों भी नहीं मिल रहे हो. सुनती भी नहीं. मैं तो जिंदगी. अरे सुनो तो छोटी. कहाँ है अनारकली? उनका कहीं नाच है आज. अरे मैं तो उनसे मिलने के लिए आई थी. अरे छोड़िए ना उन्हें, हम आपके लिए एक चीज लाए. क्या? देखिए. ना, 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 ना. नहीं, हमें अनुमति नहीं है. अनुमति मतलब? मतलब हम कोई रंग नहीं लगा सकते. नहीं नहीं हम आपको लगाएंगे, आप रंग में बहुत सुंदर. छोटी क्या करिए, क्या करिए छोटी, मत कर. अरे कोई देख मत करना. अरे रुकिए ना. अरे बस कर बस कर बस कर. देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है. अच्छा बस. ए! अनारकली कहाँ है? हमें नहीं पता. ये क्या तमाशा लगा रखा है? चलो चलो निकले यहाँ से. बड़े दरोगा बने फिर तो, पैंट तो संभाल जाती है, बनारस को संभालोगे? चलो निकलो. चल ना छोटी चल. कहाँ ले जा रही है छोटी?
मैं आपको वहां लेके जा रही हूँ जहाँ पर कोई नहीं आता। आ जाइए। ये कहाँ ले आई हमें तुम? हम जब भी कोई गलती करते हैं ना यहाँ पर आकर छुप जाते हैं। अब बचपन से ही रंगों से डरती हैं? नहीं नहीं, बचपन में तो हम बहुत रंग खेलते थे। होली में हम राधा बनते थे और खूब रंगों से खेलते थे और नाचते थे। अच्छा, तो इस बार आप हमारे साथ होली खेलेंगी? नहीं, अब हम होली नहीं खेलते, हमें मना है होली खेलना। नहीं नहीं, आप कुछ भी कीजिए, इस बार हम आप पे रंग लगा कर ही रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ना छोटी, अब हम रंग नहीं खेल सकते। आप राधा की तरह नाचती थी, हमें भी नाच के दिखाइए ना। नहीं, अब हम नहीं नाचते। नहीं नहीं, दिखाइए ना। कहा ना हमें मना। नहीं, आप दिखाएंगी हमारे लिए। बहुत दिल करती हूँ। परी परेशान मत कर बेटा, तुम लोग स्कूल का काम जल्दी से खत्म करो, फिर हम खाना लगा देते हैं। और खिलाऊं? मुझे दाल नहीं खानी, मुझे भिंडी खानी है। भिंडी कल बना दूंगी। खिलाओ खिलाओ, वंश तो तुम खा गई, अब घर इन्हें खिला दो।
लड़की, इधर आओ। हाँ हाँ तुमको ही बोल रहे। हाँ इधर इधर आओ। पैसे लोगी? शाबाश शाबाश, आओ आओ। क्या निशाने पे थूक पड़ा यार, कैसे लगा ये? चिंटू पता नहीं कहाँ चला गया, हर बार वापस आ जाता है, इस बार वापस ही नहीं आया। पर ये कैसे लगा ये कंडा? मैं आरती खत्म होने के बाद भी उसका इंतजार करती हूँ, वो आता ही नहीं है। पर क्या, किसने ये? अरे वो ट्रक वाले ने फूक दिया, वो तो हमेशा ही आगे कर, फिर आगे कर थोड़ा। हाँ फ्रॉक संभाल, फ्रॉक पीछे कर। कैसे ये, तूने रोका नहीं? वो तो बहुत ऊपर होते हैं ना। तो तू कुछ कहती नहीं है? नहीं मैं क्या कह सकती हूँ, कैसे बदतमीज लोग हैं। छी 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 छी, ऐसे किसी बच्चे पे थूक दिया। हे भगवान, समझ नहीं आता क्या मिलता क्या है इन लोगों को ये सब करके। छोटी तेरे को ना जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे गिराना चाहेंगे, हराना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे। तू बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल पीछे मत हटना, समझ गई ना? ये तेरे को अछूत कहते हैं ना, तू इतना ऊपर उठना, ऐसी ऊंचाइयों को छूना कि ये तुझे छू भी ना सके, है ना? समझ में आई ना मैंने क्या बोला? सूख गए काफी। वो अन्नपूर्णा मंदिर में जो है ना बहुत अच्छी खिचड़ी मिलती है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। वो देखिए वो पतंग कितनी ऊंची जा रही है ना। हाँ एक दिन मैं भी ना इसी पतंग की तरह ऊंचे उड़ते 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 दूर आसमान में चले जाऊंगी। हम आपको जाने देंगे तब ना। आपके कहने से क्या होता है, ये तो नियम है, सबको तो जाना ही होता है ना। बाकी जाए वो हमारे थोड़ी हैं, आप तो हमारी हैं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अभी जाने दो, देर हो गई तो हमें आश्रम में घुसने नहीं देंगे। फिर कहाँ जाएंगे हम? चल कैसी मैंने बना दी चोटी, टेढ़ी मेरी, चल फिर दोबारा बना दूंगी। हमारे रहते हुए तो साहब के घर के आसपास भी भटक नहीं सकती। ए, घर जाएगी, घर जाएगी तू, जाएगी घर जाएगी, घर जाएगी तू। हाँ जाएंगे, घर जाएंगे, हर गली जाएंगे, हर मोहल्ला जाएंगे, पूरी पूरी दुनिया में बताएंगे कि राजा रघुवंशी अपने आप में बड़ा मर्द बनता है और एक हिजड़े की लेता है, वो भी जबरदस्ती, वो भी मुफ्त में। इसके पहले हम तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी छुटकी से धंधा कराए तो धंधा कराए। ए लड़की इधर आ,
आइए इधर आइए इधर आइए। आपने देखा क्या हुआ? आपको पता है क्या पता? अभी मैं आ रही थी ना, एक टब वाला करके पान चबा रहा मैंने तब गोबर फेंक दिया पान गनीमत कहाँ गई है? कहाँ छेद गया बाबा? रात को मच्छर कहाँ से घुस आया था? बापे मुझको काट रहा था, इतनी तेजी से मच्छर काट रहा था। अरे गनीमत समझो है कि मैंने आश्रम में अभी तक किसी को कहा नहीं है। अगर अभी तक किसी को कह दिया होता ना तो आश्रम से निकाल फेंकी जाती है। ये रहा छेद, बताओ। अरे बापरे क्या ये सब फालतू काम लेके बैठी हो हैं? चलो मच्छरदानी में छेद है, ये देखो उसको सिल दो, ये तो फिर रात को मच्छर काटेंगे घुस के। जय माँ जय माँ जय माँ। हम दो दिन से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ बैठी हैं? अरे ये क्या हुआ आपको? वो नाचने गए थे, वहीं पे गिर गए। नाचते नाचते गिर गए आप? क्यों, क्या हुआ? आप रात को आती क्यों नहीं है? हमें अकेले डर लगता है। छोटी तू जा, मैं रात को आ जाऊंगी, बस तू राजा और उसके गुंडों से बच के रहना। आज रात को आ जाइएगा। आप हमारे साथ एक जगह चलेंगी? चलिए ना, प्लीज चलिए ना। अरे कहाँ ले जा रही है? एक जगह चलिए प्लीज, आ जाइए। चप्पल कहाँ है? ओहो वहाँ पर है। क्या पहन के? चल चलिए चल। चलो आओ नूर, डरो मत। चलो बैठ जाइए। भैया भैया एक प्लेट में कितने समोसे? दो। दो दे दीजिए। आप समोसे का आलू खा लेती है ना? हम सिर्फ पपड़ी पपड़ी खाते हैं। वो आलू ना चिंटू खाता है और वो लाल चटनी के साथ ना पपड़ी बड़ी अच्छी लगती है। ये किताब हमेशा आपके साथ रहती है, है क्या इसमें ऐसा? इसमें टैगोर की कविताएं हैं, मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, इसे मैं हमेशा तुलसी माँ के पास रखती हूँ। टैगोर हैं आपके दादाजी? नहीं, टैगोर तो बहुत बड़े कवि थे। मेरे दादाजी कहते थे कि टैगोर की कविताएं सुनने खुद गंगा उनके घर आती थी। हमें भी सुनाइए। पढ़ना नहीं आता। दादाजी ने आपको पढ़ना नहीं सिखाया? नहीं, वो तो चाहते थे, तब ना देश नया नया आजाद हुआ था। दादाजी कहते थे कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश की बेटियों को पढ़ाना जरूरी है, पर मेरे घर वाले नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मैं घर का काम करूं। फिर मेरी शादी कर दी और मैं ससुराल चली गई।
आपको पता है चिंटू ने भी हमें वादा करा था स्कूल भेजने का। भैया 4 साल हो गए हमें काशी में रहते हुए, इन अछूतों को समोसा खिला के हमका धर्म भ्रष्ट नहीं करना। ए पंखा बनकर, जाने कहां कहां से आ जाते हैं मुफ्त की हवा खाने। चल अभी समोसा तो जाने दीजिए। मैंने कहा ना चल। निकला यहां से, खबरदार जो यहां आसपास दिखे। झूठ कहती हैं आप, कभी कुछ नहीं बदलेगा। अछूत हैं हम, अछूत ही रहेंगे। कुत्ते हैं हम, कुत्ते ही रहेंगे। ना बेटा ऐसा नहीं कहते। तुमको पता है एक बार जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे दादाजी मुझे पहली बार घाट पे ले गया है। उस दिन दिन में भी अंधेरा हो गया, एक छोटी सी चांद ने इतने बड़े सूरज को ग्रहण लगा दिया। सूरज तो रोज ही जीतता है, चांद का भी तो दिन आता है ना। मैं तो छोटी हूँ, मैं चांद थोड़ी हूँ। हाथों की दोनों लकीरें जोड़ के बन गया चांद। आज से ये आधा तुम्हारा और ये आधा चांद, ये मेरा। अच्छा पढ़ना लिखना क्या बहुत मुश्किल होता है? मेरे लिए तो नहीं है। आप मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी क्या? प्रेम पत्र? मेरे पास समय नहीं है, जाओ किसी और से सीखो। देख देख रंग की पुड़िया ले जा रही है, कहाँ विधवा की? अरे काओ चम्मक छल्लो कहाँ? अरे जिसके पीछे नाचती रहती हो, जानती हो तुमको काका कहती है हूँ? अरे कहती है तुम लोग कुत्ते का पिल्ला हो, अछूत हो अछूत। सुने कहीं से चोरी करके उनके लिए नेन पालिश भी लाई थी और चोरी के पैसा से समोसा भी खिलाने ले गई थी, वही बताई हमको ये सब। गुरु ये सब घाट का बच्चा है, पजामे के अंदर से जंघिया गायब कर दे पता न चले, लेन पालिस कौन चीज है भाई। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमें कुछ नहीं देखना। क्या हो गया छोटी? हमें किसी से बात नहीं करनी। अरे क्यों? हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी। हुआ क्या बेटा? छोटी आपने मुझे चांद क्यों बोला? अगर मैं मान लेती तो अब हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे। लाख मना करने के बावजूद ये कुतिया फिर आपके घर पहुंच गई थी और सिर्फ पहुंची ही नहीं सब कुछ भौंकाई है।
अरे सर, आपकी बीवी को यहाँ तक बताई है कि आप छोटी के भी पीछे पड़े हुए हैं। इसकी औकात इतनी बढ़ गई है कि एक रिपोर्टर को बुला लिया दिल्ली से। अगर सर इसको खत्म नहीं किए ना, तो समझिए हमारी कहानी खत्म। बोले थे तुझको, जब तक झुकती रहेगी जिंदा रहेगी, समझे? तू दुनिया क्या के मुख खोलेगी, दुनिया क्या के? राजा है हम, राजा। यहाँ की बदौलत भी हमारी, अन्याय भी हमारा, समझे? मौत है, छोड़ दो। चाची, कुछ पता चला? वो अनारकलिया का हत्या हो गया। मालूम है कौन मारा? वो आपका छोटी और उसका कुल छोटा सब। पैसा के लिए मार के कपार फोड़ दिए। हम कहे थे ना, ये सब घाट का बच्चा है। ना परसों होली है, कहीं ऐसा ना हो छोटी आपकी सफेद साड़ी रंग दे। पहले पानी पी लो। मुगल अनारकली को राजा ने मारते फेंक कर, हाँ को मार दी, हमें भी मार देगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप रहो बिल्कुल, चुप रहो। ना 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 ना, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, चुप चुप चुप, किसी को कुछ नहीं कहना। ना 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 ना, बस बस बस, आ जा रहा, बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आ जा, जल्दी आ जा,
और ये छोटी मैं रेखा सक्सेना हूँ, आई एम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। मैं यहाँ पर पुलिस के करप्शन पर स्टोरी कर स्टोरी कर रही थी। मेरे सोर्सेस ने बताया है कि अनारकली के मर्डर में पुलिस इन्वॉल्व है और वो छोटी को फंसा रही है, है ना? आप इससे मत बात कीजिए, आप यहाँ से जाइए, आश्रम में बाहर के लोगों को अनुमति नहीं है, आप जाइए। बात समझने की कोशिश करिए, बच्चे को बचा सकती हूँ। बोलो बच्चे, हाँ अनारकली, अनारकली का खून राजा नहीं गया ना, बोलो। फ्रॉक बनाई, देख इसमें पॉकेट भी लगाई, देख पॉकेट अच्छी है ना? बस 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 रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे, आज पर जाएंगे काम में, तो आज तक कभी गंगा की उस पार तक नहीं गई, कहाँ जाएंगे? एक आपके घर चले क्या? वहां जाके मैं सिलाई का काम करूंगी और तुझे खूब पढ़ाऊंगी, छिपाने मिले खूब पढ़ाऊंगी तुझे, छिपाने मिले। चिंटू को भी साथ ले चले, चिंटू को भी साथ ले चले, तुम्हें दो दिन से कुछ खाया नहीं ना? आवाज लगाऊंगी बाहर से, हाँ आ रही अभी, तब मैं तुम माँ बुला सकती हूँ। Thank you.
बार कहा है कि आश्रम में बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। झूठी, झूठी! देखो देखो श्रृंगार देखो, श्रृंगार का इतना शौक था तो दूसरी शादी कर लेती। अरे आश्रम में कभी पुलिस आई थी, स्कूल टाक की वजह से आई है। बहादुर, ये लड़की नहीं मुसीबत है, मुसीबत। इसको छोड़ दिया ना तो ये पूरे बनारस को रंग डालेगी। अरे पता नहीं क्या करेगी पुलिस उस छोटी सी बच्ची के साथ में। इसका तो एक का इलाज है। सर टूट जाएगी, सर टूट जाएगी, सर रस्सी खींचिए, सर कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सीनियर के काम में दखल देते हो, बच्ची है। दिल्ली वाली रिपोर्टर रेखा सक्सेना पूछेगी तो कह देंगे कूद के भाग रही थी और डूब के मर गई। तो गंगा मैया खुदे चलकर आई हैं। सर नहीं, नहीं सर, आधा घंटा पानी में रहने के बाद भी नहीं डूबी है। गंगा मैया की पूरी कृपा है इस पे, अगर कोई छुआ तो हम सब भस्म हो जाएंगे। अगर इसको छोड़ देंगे तो कोई आरती नहीं उतरेगी, और दिल्ली से जो इसकी पत्रकार मैया आई है ना, पूरे बनारस में हमारी जूता बाजारी करा देंगी। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, ले जाए इसे मर्दों वाले जेल में डाल दे। सर लेकिन सर, सर खड़े रहो ये पे। बहुत बढ़िया है तूने हमको, अब जेल में सड़। सर, अरे सर कब से परेशान कर रहा है, कह रहा है कि छोटकी को छोड़ दो। अरे जुआरी, सुना है अपनी छोटी के लिए तू इंस्पेक्टर बनेगा। बोल, कल छोटा जेल से कुत्ते 4 महीने बाद और आज फिर वापस आ गया है? क्या पूरी जिंदगी सड़ना चाहता है उसमें, और तू छोटकी के चक्कर में मुझे फंसाना चाहता है? तू छोटकी को बचाना चाहता है, तू छोटकी को बचाना चाहता है? अरे ये तो हमको डरा रहा है। छोटी कहाँ है? छोटी हम भी ढूंढ ही रहे हैं, आपको पता है क्या? बकवास मत करो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अरे जानते हैं मैडम, तभी तो मीठा मंगाया है, वरना फ्री में किसी को जहर भी नहीं पूछते। मैं दिल्ली फोन करके तुम्हें सस्पेंड करा दूंगी। देखिए मैडम, ये थाना है, आपका चैनल नहीं है, यहाँ पास से नहीं कागज से काम होता है। ये कागज लेकर आइए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे तो पकड़ लीजिएगा, पर अभी नहीं, अभी तेल लगा है, फिसल जाएंगे। You don't have any idea what I can do and what I will do.
समझ गया ठीक समझ गए। चल बे चालू हो जा। वैसे कल होली है, हवन रखा है लड़का पैदा होने के लिए, आप भी आ जाइएगा, शायद हो ही जाए। राजा जितने हवन करवाने हैं करवा ले। अनारकली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है और छोटी को तो मैं बचा ही नहीं। जाएंगी कि मालिश करा के जाइएगा। आश्रम की कुछ औरतों ने उसे नीचे फेंक दिया। मैंने पीछे के सारे दरवाजे खोल दिए। राम नाम सत्य है। छोटी भाग गई। जल्दी कपड़े निकाल मेरे। कौन हो जाएगा? छोटी सी बच्ची नहीं संभाल सकते ना मर तो। अगर मुझे दिख जाए ना तो मैं गोलियां मार दे। मेरी बेटे राजा, तुम्हें पता है आज तक हम लोलारा कुंड में क्यों नहीं नहाए? हम नहीं चाहते थे कि एक और राजा पैदा हो। अगर तुझे भी देखता हूँ क्या? अब आज के बाद कभी नहीं देख पाओगे हमें तुम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः।
तमीज से बात कीजिए। You're talking to Noor Saxena, Senior Advocate Supreme Court. तमीज तो हमें मत सिखलाओ, समझे? तुम शहर की शांति व्यवस्था भंग कर रहे हो। जी नहीं, हम तो यहाँ बस होली खेलने आए हैं। होली खेलने आए हैं? ये वीडियो आए होली खेलेंगे? जी। वाह वाह भाई वाह वाह, आज ये होली खेलेंगी, कल श्रृंगार करेंगी, परसों ये ब्याह करेंगी, यहाँ होली नहीं होगी मैडम। ये बनारस की परंपरा है, विधवाएं होली नहीं खेलेंगी। आप परंपरा अपने पास मैडम, यहाँ डोंट यू डेयर टच मी अगेन, यू आर कमिटिंग टू क्राइम्स हियर। फर्स्ट, यू आर वायलेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, under section 46 class 4 criminal procedure code, being a male officer you cannot touch a female. Sir, aap ise nahi chhu sakte. Dekhte hain kaise holi hoti hai. Ha ji, dekh lijiye. Bahut aaye hain holi khelne. Main yahi khati hai police banungi aapke seva karne ka. Ganda maar kar. क्या कुछ नहीं हुआ, चलिए। Thank you.
छोटी, टैगोर की कविता याद रखना, जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। ए छोटी, वादा किया था ना, आरती खत्म होने से पहले आ जाऊंगा। ये ले 300 रुपए, कल से स्कूल जाएगी।